राइजिंग प्लस देता है, मतलब ऑन टाइम राइजिंग पल्स देता है। ओके, ऐसा कुछ ऐसा जब ये कोई इनपुट लेता है और यहाँ आउटपुट ले रहा हूँ, जब ये इनपुट लेंगे तो यहाँ पे OSR ले रहा हूँ, तो OSR तो यहाँ पे दो मेमोरी बिट रहते हैं। वेरी गुड। पहले पे ये आउटपुट मेमोरी, हाँ, और ये स्टोरेज, हाँ स्टोरिंग मेमोरी। ओके, तो यहाँ पे दो मेमोरी बिट यूज करना है। लेंगे क्या क्या एड्रेस डालेंगे उसका? हाँ, यहाँ पे मतलब ये बिट इसलिए, अगर अगर मेमोरी जो स्टोरिंग बिट है वहाँ पे क्या हम i:0/0 ले सकते हैं क्या? नहीं, ये उस जगह पे नहीं, क्या लेंगे उसके जगह पे बताएं? बिट लेना है। बिट में कौन सी बिट क्या होती है वो समझाएं हमें। बिट मतलब बिट 0 और 1 b 3 लेना है। हाँ, बिट 3 लिखा था। हाँ हाँ, लेना है। तो हाँ? हमको लेना, अच्छा ये मेमोरी बिट क्या होती है वो समझाएं हमें। ये मेमोरी बिट है जो मतलब ये PLC में एक स्टोरेज मेमोरी रहती है, वहाँ पे हम कोई बिट ले सकते हैं। ठीक है, वो आउटपुट में नहीं दिखाती। वो आउटपुट पे नहीं दिखाती है। ओके, मतलब कि वो खुद से ही समझने का काम में आती है कि ये PLC के अंदर होता है, अंदर होता है, और ये ऐसा काम करता है, लॉजिक लिखने में काम आता है। ओके, अंदर लॉजिक में। ओके चलिए, हाँ चलिए, फिर अब काम कैसे होगा आगे, आगे में क्या होगा? तो जब ये OSR ऑन होगा, ये ऑन बिट हो जाएगा, तो यहाँ पे एक मेमोरी बिट यहाँ पे सेव हो जाएगा, ये 1 दिखाएगा। जब मेमोरी सपोज मैं यहाँ पे बिट 1 लेता हूँ, ये मुझे इंडिकेशन 1 दिखाएगा, और सपोज यहाँ पे मैं मेमोरी बिट 2 लेता हूँ, यहाँ पे मुझे एक पल्स दिखाएगा, मतलब ये ऐसे 1 होके 0 हो जाएगा। ओके ठीक है, पल्स देगा। अच्छा स्टोरेज बिट का काम क्या होता है वो बताएं OSR के अंदर। OSR क्या था? और OSR का फुल फॉर्म क्या होता है? वन सॉर्ट राइजिंग, लिखे वहाँ पे वन सॉर्ट राइजिंग, वन स्लॉट सॉर्ट SHORT सॉर्ट, हाँ राइजिंग, हाँ ठीक है, वन सॉर्ट राइजिंग, मतलब वन सॉर्ट जैसा वन कोई, हाँ तो जब हम वन सॉट देंगे तो वो राइज अप हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि हायर सिग्नल पे काम करेंगे। एक एक काम करें आप, वेव डायग्राम में भी हमें बताएं कि वेव डायग्राम में वो किस पीक पे काम करता है। हाँ मतलब ये पल्स आ जाएंगे, हाँ ये पल्स आ जाएगा, हाँ हाँ, तो कब ये काम करेगा? ये वन आएगा, हाँ तो ये स्टार्टिंग में काम कर रहा है। ओके ओके ठीक है, ठीक है ठीक है। अब हम इसका यूज़ कैसे करेंगे? जैसे ये हमको पता हुआ इंस्ट्रक्शन है, ये इसके अंदर कौन से बिट पे कहाँ पे क्या करना होगा। सपोज हमको जब ये ऑपरेट हो तो एक लाइट जलाना है, कैसे करेंगे उसको? सपोज ये ऑपरेट होने के बाद अगर लाइट जलाता है कंटिन्यूअसली, तो फिर हम ये बिट वाला यूज करेंगे जो स्टोरेज हो रहा है। कंटिन्यूसली नहीं जलाना है हमको, जब आउटपुट मिले तभी ऑन होना चाहिए, ऐसा चाहिए। सपोज मुझे आउटपुट जब ऑन होना चाहिए तो मुझे पता है यहाँ पे एक वो राइजिंग पल्स दे रहा है, ये पल्स यूज करके सपोज मैं अलग रन में कोई सपोज येलो कॉन्टैक्ट लेता हूँ, ठीक है, तो आउटपुट दे रहा हूँ। हाँ, तो उसमें एड्रेस क्या रखेंगे? तो इसमें एड्रेस वहीं पे, हाँ ये जो एड्रेस है ना हमारा, हाँ हाँ ये बिट का एड्रेस यहाँ पे। वेरी गुड, हाँ चलिए, हाँ जब ये ऑन हो जाएगा, हाँ तब ये आउटपुट आने वाला है। क्या हमेशा वो चलेगा या फिर थोड़े टाइम के लिए? ये तो पल्स के लिए चलने वाला है। ओके, मान लीजिए कंटिन्यू हमको चलाना है तो मैं क्या करूँगा? हाँ तो मुझे यही आउटपुट यहाँ लेके लैच कर देना। वेरी गुड, ठीक है, इसका आउटपुट लैच कर दूंगा, ये कंटिन्यूस में होगा, मतलब एक बार ऑन होगा तो ऑन ही रहेगा। ओके, तो मैं ये समझूंगा कि अगर आपने OSR समझा तो OSF भी समझ चुके होंगे, क्योंकि सेम चीज़ें ही होती है। हाँ ऊपर में एफ लिख देना, OSF, हाँ वन शॉट फॉलिंग, ठीक है। यहाँ पे कोई इनपुट पल्स आता है, जब ये डाउन हो जाएगा, डाउन टाइम, तब हमें जो बिट है स्टोरेज बिट पे तो वो आता है, जब ये पल्स आने वाला है, कंटिन्यूस पे चलने वाला है, जब वो डाउन हो जाएगा वो जो दूसरा बिट जो है वैसे फॉलिंग बोलते हैं उसको, हाँ उसमें 1 1 0 आ जाएगा। ओके मतलब
मतलब एक पल्स आ जाएगा, पल्स आके चला जाएगा, मतलब कि जैसे पल्स होता है ना कुछ माइक्रो सेकंड के लिए आता है, 1 माइक्रो सेकंड के लिए आता है, ठीक है। तो ये क्या है ना कि ये माइक्रो सेकंड का पल्स ही हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़्यादा स्मूथनेस देता है, क्योंकि ये जो एलन ब्रेडली सॉफ्टवेयर है ना वो आपका महज 3 GB की सॉफ्टवेयर है। 3 GB की सॉफ्टवेयर होने की वजह से इसमें लेटेंसी बहुत ही कम है, जो होता है वो तुरंत दिखता है डिस्प्ले के ऊपर, ठीक है, तो उसे हम देख पाते हैं। लेकिन जैसे ही आप सीमेंस के ऊपर चले जाते हैं ना, मित्सुबिशी के ऊपर चले जाते हैं, तो उस जगह पे वो दिखता ही नहीं है इतना फास्ट। हाँ, क्योंकि वो लेटेंसी वो है 20 GB का सॉफ्टवेयर, 20, इनसे वो 10 टाइम तो पहले ही हो गए, मतलब ये चीज़ें तो वहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पे आप ध्यान दें, बारीकियों पे समझें कि जैसे हमारा हार्ट बीट होता है ना वो पल्स देता है, ऐसा जैसे हम अगर कोई आप देखते होंगे किसी का एक्सीडेंट हो गया, ओके, एक्सीडेंट हुआ तो वो जब ICU में रहते हैं तो उस समय वो पल्स चलते रहते हैं, नब्ज, हाँ, या ऑपरेशन जब चलते रहता है तो नब्ज देखा जाता है, ठीक है। तो वही नब्ज, एक नब्ज यहाँ पे मिलता है हमको, ठीक है, जिसको कि पल्स, हाँ, जिसको कि पल्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये पल्स हमको मिलता है, ठीक, दो तरीके से हमको पल्स मिलता है। एक मिलता है ऑन प्रेस करो तब, तो वो हो गया OSR, और जब रिलीज करो तब मिल जाए तो हो गया OSF, ठीक है। तो यही चीज़ है, और जो OSF के बारे में आपने बताया वही है सारी चीज़ें उसमें। तो अब ये इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हैं, आप अपना कंटिन्यू करें कि क्या चीज़ें आप बताना चाहते हैं। सपोज मान लीजिए हमने B3 8 पहले लेके रखा है, हमको इधर लेने हैं, तो मैं क्या लूंगा? B3 0/8 हमने लिया है, लेके रखा है, तो अब हमको नया OSF बनाना है, तो उसमें हम क्या लेंगे? क्या सेम ले सकते हैं क्या? बस ये चीज़ें पूछना है आपसे, क्या सेम लिया जा सकता है? 8 पहले से लिया, यहाँ भी 8 ले लूँ, हो सकता है क्या? हाँ, ये चीज़ें ध्यान रखने का कि यूनिकनेस इनको देना है, नहीं तो आपका माल फंक्शनिंग करती है ये, आपका वो ब्लिंकिंग जैसी चीज़ें देखने को मिलने लगता है, तो वो और कुछ नहीं, आपका बिट मिसयूज़ हो रहा होता है, मतलब ले सकते हैं पर प्रॉब्लम दे। हाँ, तो ये चीज़ें होती है, ठीक। तो ये चीज़ें यहाँ पे ऐसी चलती है, ठीक। ये बिट कितना कितने स्लॉट का रहता है, मतलब कितने? ये जैसे है ना कि मेमोरी PLC कितनी लेती है, PLC मेमोरी मान लीजिए कि 8 MB लेती है, 8 MB देती है, 8 MB अपना, मतलब कि स्पेस ले सकती है, 8 MB की प्रोग्रामिंग वो अपने अंदर ले सकती है, मतलब कि 8 MB के अंदर जितना भी हमारा बिट बन जाए उतनी सारी बिट आप ले सकते हैं। लेकिन 1 MB मतलब 5 MB है, तो 5 MB में 2 MB पार्टिसिपेट करता है इनपुट आउटपुट एनालॉग इंटरफेसिंग के लिए, तो 3 MB फ्री है। 3 MB में भी वो पार्टिसिपेट करता है अंदर के टाइमर काउंटर ये सारा चीज़, तो फिर बचा 2 MB। तो ऐसे ही करके समझिए कि 2 MB में जितना बिट बन जाए, 1 MB में जितना बिट बन जाए, तो ये अलग अलग PLCs में बिट की कितनी इनकी बिट ली जा सकती है वो लिमिटेशंस रहती है। उसका एड्रेस भी मायने करता है ना, हमको एक ही एड्रेस नहीं ले सकते सभी को, हाँ, अलग लेना है, तो फिर वो कौन से एड्रेस पे लेना है, एक्चुअली कौन से एड्रेस पे हमको लेना है उसको? जैसे कौन सी एड्रेस आपको लेनी थी? सपोज मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूं, उसमें मैंने सारा ले लिया, टाइमर ले लिया, सब काउंटर ले लिया, ठीक है, मुझे पता चलना चाहिए कौन सा खाली है। नहीं, वो टाइमर काउंटर वो पहले से ली हुई है, उन्होंने उनके लिए डेडिकेटेड अलग मेमोरी बना के रखे हैं, तो वो इसमें इंटरफेयर करता ही नहीं है, खासकर एलन ब्रेडली में, ठीक है, अलग जगह इंटरफेरेंस हो जाता है, सीमेंस में हो जाता है, मित्सुबिशी में हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ समझना है आपको कि ये अलग ही डेडिकेटेड मेमोरी देती है, ठीक है, इनकी लिमिटेशन है, ठीक है, लेकिन लिमिटेशन ऐसा नहीं है कि 100 है, नहीं, इनमें 2000 4000 5000 जैसा इनकी है उतनी बिट आप ले सकते हैं, ठीक है। बिट को बढ़ाने के लिए ये वर्ड में जाते हैं, ठीक है ना, वर्ड का मतलब क्या कि ये 16 बिट एक बार लिख सकते हैं, जैसे इधर लिखा है ना B3:0, तो 0 वाला जो बिट है ना वो 15 तक जा सकता है, फिर 1 ले तो 1 वाला भी 15 तक जाएगा, फिर 2 ले, 3 ले, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसा जाते जाए जब तक ये सपोर्ट कर रहा है, जितनी इसकी लिमिटेशन है, ठीक है, ओके। तो और क्या एक्सप्लेनेशंस में आपके हैं? हाँ, तो वही यहाँ पे जो बिट है और जो दूसरा बिट है, क्या बोलते हैं,
पल्स वाला बिट, हाँ उसको फॉलिंग बोलेंगे, हाँ फॉलिंग फॉलिंग भी, हम्म, इसका भी कोई एड्रेस डाल देंगे, हाँ डाल दें, तो इसको सेकंड डाल दिया, तो इसको डी जीरो एट डाल दिया, ओके, हम्म, तो इस टाइम क्या होगा, हम्म, जब कोई इनपुट आता है, ओके, तो यहाँ पे मेमोरी बिट तो सेव हो जाएगा वन, हम्म, यहाँ पे कुछ नहीं होगा जब तक ये जो प्रेस दिया हुआ जो इनपुट दिया है, जब यहाँ खोलेंगे तो प्रेस करके उसको मतलब एक बार टॉगल किया और दूसरी बार वापस टॉगल करेंगे उस टाइम जब ये पल्स डाउन होता है, ओके, उस टाइम यहाँ पे पल्स मिलेगा, वेरी गुड। अगर वो पल्स मिल रहा हो, उस पल्स को हमको यूटिलाइज़ करना है कोई भी पावर सर्किट को ऑन करने में, कोई भी मतलब कि पीएलसी से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम हमने किया, कोई टाइमर, काउंटर, कोई हमारे मूव इंस्ट्रक्शंस या कुछ भी, क्योंकि इसका जो ये है ना कि हमारा वहाँ पे रोबोटिक्स में डालने का है, मूव इंस्ट्रक्शंस की चीज़ें जानने की है, ठीक है, तो उस समय हमारा ओएसएफ ट्रिगर हो जब, ठीक है, ओएसएफ जब ट्रिगर हो तो वो तुरंत ही रोबोट को डेटा मूव करा देंगे। तो ऐसे ऐसे टास्क को कराने के लिए, क्योंकि ये फास्ट होने चाहिए, ठीक ना, तुरंत ही मूव हो जाना चाहिए, तो वो पल्स के रूप में हम करवाते हैं, तो वहाँ पे हमारा बहुत ही ज़्यादा ओएसएफ का यूज़ होता है, ठीक है, ओएसआर का यूज़ होता है, तो ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। तो आप आगे जो कर रहे हैं और चीज़ें आप एक्सप्लेन कुछ करना चाहें तो आप पूछना चाहें तो वो भी बताएं। कुछ और भी चीज़ें हैं कुछ पूछने का या कुछ ऐसा चीज़? नहीं, ये नीड है प्रोग्रामिंग की, ये नीड है। अच्छा। अब बताएं कि मैं बोलता हूँ फास्ट आपका चीज़ें हो जाना चाहिए, कोई बटन वहाँ प्रेस नहीं हो रहा है, बस इंस्ट्रक्शन में डन बिट आ रही है, तो कैसे काम करेंगे आप? और डन बिट तो कंटिन्यू ऑन रहेगा, तो कंटिन्यू वो डेटा को पास कराते रहेगा। मान लीजिए 10 वैल्यू पास करना था रोबोट को, जब वो 10 बनता था और वो कंटिन्यू अलग अलग वैल्यू पे जा रहा है, एक सेकंड के लिए 10 बनता है, तो उस सेकंड में 10 मूव हो जाए, उसी बस 10 ही मूव कराने का है, तो उस समय आपका अगर इस तरह के पल्स वाले इंस्ट्रक्शंस नहीं रहेंगे तो मूव ही नहीं होगा, ओके। तो ये चीज़ें फास्ट रिटेंडेंसी के लिए यूज़ की जाती है, इन ये है छोटी सी टूल लेकिन इसका बहुत ही ज़्यादा यूजेज है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी वैल्यू है इनकी, ठीक है ना। तो ये वैल्यू रोबोटिक्स को पूरी तरह से चलाने के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ जहाँ फास्ट मूविंग डेटा कराने हैं ना आपको, कोई प्रिंट करानी है या कुछ भी, तो उस समय आपको इस तरह के बिट्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मशीन बहुत फास्ट काम करती है, तो फास्ट करने के लिए जो फास्ट चलते हैं ना उन पे हमें काम करनी पड़ती है। तो ये OSF, OSR, ONS ये सब इंस्ट्रक्शन उसी में यूज़ होते हैं। इन सभी में सबसे जो फास्ट चलती है वो है ONS, ठीक है, स्पेशल डिज़ाइन किया गया है ONS। ONS और कोई दूसरी PLCs में नहीं देखने को मिलता है, एलन ब्रेडली में ही मिलता है, इसीलिए आप लोगों को बार बार बताई जाती है कि एक PLCs में हर चीज़ें नहीं है, ठीक है ना। जब हमको रिसर्च करनी है या कुछ ऐसे मशीन्स का डिज़ाइन करनी है जहाँ पे हमको पल्स का ज़्यादा देने का है काम में, तो जो PLCs वो पल्स पे बहुत ही एक्सपर्ट लेवल पे काम करती है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस देती है, मैं उन्हें ही प्रेफर करूँगा, ना कि मैं हर एक कंपनी सीमेंस पे चल रही है तो नहीं। प्रोजेक्ट किस पे चलने वाले हैं, किस में हमारा वो काम हो जाएगा, ठीक है, तो वो प्रेफर करते हैं, इसीलिए आपको बहुत सारे PLC देखने को मिलते हैं। मशीन बाय मशीन वेरी करती है, उनकी फंक्शनलिटी अलग है ना, इसके वजह से, ओके। तो ये आज के लिए इतना रहने दें, आप चीज़ें समझ गए होंगे होप कि ये OSF OSR क्या चीज़ें होती है। और हाँ, इसमें हमने खुद कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, जो जैसे ना कि आपको कुछ सिखाए जाते हैं तो आप क्या सीखते हैं, ये फीडबैक हमारे साइड से रहती है कि अगर आप सीख रहे हैं तो आपको जो दिया गया ना वो आप 100% सीख चुके हैं, नहीं तो आपको जो दिया गया वो नहीं सीखे तो फिर हमें डिफरेंट अप्रोच लेनी पड़ती है इसे समझाने के लिए कि हम और अलग तरीके से क्या करें। तो ये एक छोटा सा कि क्लासेस में कैसे आप टीचअप लेते हैं, क्या यहाँ की इन्वायरमेंट है, तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।